इंडिया गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी के साथ इंडियन स्पेस इंडस्ट्री जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। ऐसे ही एक कंपनी जो इस सेक्टर से बिलोंग करती है, आज की हमारी स्टॉक ऑफ द वीक है। ईयर 2024 जो है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है, बिकॉज इस ईयर में हम स्पेक्ट्रम एलोकेशंस भी देखेंगे और गवर्नमेंट का जो फोकस है विद इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 वो भी हमको इस इंडस्ट्री के अंदर में देखने को मिलेगा। इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 के अंदर में गवर्नमेंट ने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स को लो अर्थ ऑर्बिट लियो और MEO ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अलाउ किया था। इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री जिसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो तकरीबन 3 लाख करोड़ का मार्केट साइज़ है वहाँ पे, और ये इंडस्ट्री 7-9% से FY24 में ग्रो करी थी। इसी इंडस्ट्री के एक सबसेट इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज की, उसके अंदर जो डेलॉयट की अगर हम प्रेडिक्शन की माने तो ये इंडस्ट्री तकरीबन 36% पर ईयर के हिसाब से ग्रो करेगी टिल 2030। सो ये इंडस्ट्री तकरीबन $20 बिलियन की हो जाएगी टिल 2030, और ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है फॉर द प्लेयर्स, और यही रीज़न है कि कई इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इस इंडिया के सैटेलाइट कम्युनिकेशन मार्केट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सेगमेंट के अंदर में जो मेजर प्लेयर्स हैं वो जियो प्लेटफॉर्म्स हैं, भारती बैक्ड वन वेब है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेल्को है, ह्यूजेस कम्युनिकेशन, थेल्स ग्रुप, अवेंटेल जैसे प्लेयर्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पेसएक्स इंडिया के अंदर में एंट्री चाहता है, अमेजॉन बैक्ड कूपियर जो है वो भी इंडिया के सैटेलाइट इंडस्ट्री को के अप्रूवल्स के लिए ट्राई कर रहा है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो रिलायंस बैक जियो प्लेटफॉर्म जो लग्जमबर्ग SES के साथ JV के अंदर में है, उनको ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स जो है उसको ऑपरेट करने का गवर्नमेंट की तरफ से इसरो की तरफ से अप्रूवल्स मिल गया है, ग्रीन लाइट मिल गई है। तो जल्दी हम जियो प्लेटफॉर्म्स द्वारा इस इंडस्ट्री के अंदर में लॉन्चेस देखेंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑब्वियसली एक यूज़ केस प्रोवाइड करता है, बिकॉज इंडिया की अभी 50% जो पॉपुलेशन है वो अनटैप्ड है। इंडस्ट्री अगर रूरल रीच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मैरीटाइम की बात करें, डिफेंस की बात करें, या फिर बैंकिंग जो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहां पे ATMs ऑपरेट होते हैं थ्रू सैटेलाइट VSATs, तो ये इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ग्रोथ रेट्स के अकॉर्डिंगली। ऑब्वियसली काफ़ी हाई ग्रोथ रेट है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के सबसेट के रूप में। तो इसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के को बेट करने के लिए आज की जो हमारी स्टॉक ऑफ द वीक है वो नेल्को है। नेल्को टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जिसका प्रमोटर टाटा पावर है। तकरीबन 50% स्टेक जो है टाटा पावर होल्ड करता है नेल्को के अंदर में। नेल्को की अगर सर्विसेज की बात करें तो VSAT कनेक्टिविटी, सैटकम प्रोजेक्ट्स, उसके अलावा इंटीग्रेटेड जो सॉल्यूशंस होते हैं सर्विलांस रिलेटेड उसके अंदर में सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। इंडस्ट्री के अंदर में अगर इसके मार्केट शेयर की बात करें तो तकरीबन 30% का मार्केट शेयर नेल्को के पास है। नेल्को जो है वो B2B सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और अगर एंड यूज़र इंडस्ट्री की बात करें तो नेल्को बैंकिंग सर्विसेज के अंदर में है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसके अलावा डिफेंस के अंदर में नेल्को की सर्विसेज हैं। इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, जो माइनिंग सेक्टर, इनको भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बट नेल्को की डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर और जो बैंकिंग ATMs हैं उसके अंदर में नेल्को का अपना डोमिनेंस है। नेल्को के पास अगर हम बात करें तो सारे रिक्वायर्ड अप्रूवल्स हैं, लाइसेंसेस काफ़ी सारे हैं, और नेल्को की अपनी जो रिलेशनशिप है विद देयर क्लाइंट्स, एक टाटा ग्रुप की कंपनी होने की वजह से और एक लंबी ट्रैक रिकॉर्ड जो हिस्ट्री की है सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी अच्छा रेपो है अक्रॉस द क्लाइंट्स। नेल्को के अगर ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें तो हाई थ्रोपुट सैटेलाइट्स जो है नेल्को ने अक्टूबर 23 के अंदर में देहरादून में अपना टेलीपोर्ट जो है वो ऑपरेशनलाइज किया था, और FY22 में नेल्को कई बड़े हाई थ्रोपुट सैटेलाइट्स के ऑर्डर दे रहा है, जो कि नेल्को के अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो FY25 में ही इसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। सो जो इन फ्लाइट कनेक्टिविटी है वहाँ पे भी एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ओपन हो रही है। आने वाले 2 ईयर्स के अंदर में हम काफ़ी अच्छी एक्टिविटी वहाँ पे देखेंगे, और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी का लाइसेंस भी नेल्को के पास है। सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर, गवर्नमेंट की ऑलरेडी अप्रूवल्स नेल्को को हमारा स्टॉक ऑफ द वीक बनाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ गुड डे।
investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.